तो अभी हम देखते हैं कि डीगर असाइनमेंट जो स्मार्ट आर्ट में क्रिएट हो रहे हैं इनको कैसे बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला असाइनमेंट है, इसको हम किस तरह से इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें और भी बहुत सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे, जिसमें हम कुछ इस तरह के टारगेट सेट कर सकते हैं, जिसमें इस पर शो कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग का मैथड है, और इसके अलावा प्रोसेसिंग का मैथड है, इसके अलावा हायरार्की का मैथड है, रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप में नीचे आके देखते हैं तो हमें यहाँ पर ये वाला मिल जाता है। इसमें ओके करने पे ये सामने ऐड हो जाता है, और इस तरह से आप जो भी इसमें डेटा ऐड करना चाहें वो इजीली ऐड कर सकते हैं। यानी कि इसमें आप सेट कर सकते हैं पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट और फाइनल ऑब्जेक्टिव यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से इस पर क्रिएट हो जाती है, और टेक्स्ट वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फर्दर ऐड करने तो और इंटर कर दें, ये इसमें सेशंस ऐड होते जाएंगे, जिसमें आप इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को इसमें दिखा सकते हैं। कलर्स वगैरह के लिए फिर यहाँ से आप इसको चेंज करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंसर्ट में जाएँ, ब्लैंक पर क्लिक करें, तो इसके बाद वाला जो दूसरा वाला एक और इसके अंदर है वो आ रहा है हमारे सामने, ये वाला। तो ये किस तरह से क्रिएट होगा, ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों को मिला के होगा कि पहला एक प्लान है और उसके अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कैसे काम करेगा। तो इसको करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, पहले एक स्मार्ट आर्ट ऐड करेंगे यहाँ से क्लिक करके। और जैसे कि अगर हमने वो वाला स्मार्ट आर्ट ये वाला ऐड किया है जो कि इस तरह का है, आई थिंक सो ये प्रोसेस में साइकिलिंग में है, ये वाला है, तो इसको लेके हम ओके कर देंगे तो ये इसके अंदर इजीली ऐड हो जाएगा। अब कोई भी प्रोसेस है वो आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है इसका, उसके लिए आप क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट पर। और दूसरा वाला जो साइकिलिंग का प्रोसेस है उसको आप यहाँ से ले लेंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से लेके ओके कर दिया, और यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से हो गया। चेंज कलर्स पर क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे से इसको इस तरह से आपने थोड़ा सा छोटा कर दिया। उसके बाद यहाँ क्लिक करके चेंज कलर्स पर जाके आपने कोई भी कलर स्कीम्स इस पर अप्लाई कर दी, और यहाँ से क्लिक करके इसको बड़ा कर दिया। फिर इसके बाद क्लिक करके इसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक किया और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लें, ये वाला ऑप्शन, और उसके बाद यहाँ से उठा के इसको इसके बीच में सेट कर देना है। तो इसके बाद ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है इसको और मज़ीद बड़ा करना चाहें तो यहाँ से और बड़ा कर सकते हैं, इसको भी यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या स्क्वायर कर दें, ताकि आपका जो ये जो स्मार्ट आर्ट है वो प्रॉपर्ली सही डायमेंशन में नज़र आए। अब ये पीछे वाला सेलेक्ट नहीं हो पा रहा किसी वजह से, तो सेलेक्ट में जाके सिलेक्शन पेन एक्टिवेट कर लें, तो ये डायग्राम टू है, ये डायग्राम थ्री है, तो डायग्राम थ्री इजीली सेलेक्ट हो जाएगा और बीच में से एडजस्ट किया जा सकता है। बॉक्स साइज़ को भी कम किया जा सकता है इस तरीके से, जो इनके बॉक्स के साइज़ हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है, जिससे ये प्रॉपर्ली इसके अंदर इस तरह से फिट आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा अगला वाला जो इसमें और है, सपोज़ टू बी ये इस तरह का डायग्राम है, ये कैसे बनता है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ को क्रिएट करने के लिए आप ब्लैंक पेज पर जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेके उसको ऐड कराने की कोशिश करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपने स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया, साइकिल पर क्लिक किया, और साइकिल पे क्लिक करने के बाद जो इसमें आ रहा है हायरार्की रिलेशनशिप में देख लेते हैं। तो इसमें तो ये वाला ऑब्जेक्ट या ये वाला ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो हम यहाँ बता सकते हैं कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है, और सीपीयू, और भी ऐड करने हैं तो यहाँ क्लिक करके एंटर कर दें, एलसीडी, और ऐड करने हैं प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं इसके साथ, तो इस तरह के मामलात ऐसे कर सकते हैं। तो अगला एक और इसके अंदर हम भी ऐड कर सकते हैं, लेट सपोज़ अगर हम इसमें एक और ऐड कर लें यहाँ से स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करके, तो उसमें यहाँ पर रिलेशनशिप में एक और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। इसको कैसे कर लेंगे, सपोज़ टू भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देते हैं सोलर ग्रिड्स, तो सोलर ग्रिड्स, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर लिख देते हैं हैस्को, ठीक है, हैस्को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैटरी। तो ये देखें इस तरह से इन्वर्टर से ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो इस तरह का भी बना सकते हैं कि सोलर पैनल्स भी इन्वर्टर से कनेक्टेड होते हैं, और हैस्को की लाइन भी इससे कनेक्ट हो रही होती है, और बैटरी भी इससे कनेक्ट हो रही होती है। तो इस तरह का जॉइंट बना सकते हैं आप कोई भी चाहें तो, और भी ऐड करना चाहें कोई चीज़ इससे कनेक्टेड है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं।
इधर हो रही है क्लास। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट में हमारे पास और भी जो इसके अंदर है ये भी इसी तरह से बनेगा। और ये वाला जो है स्टेप्स डिक्लेयर करना किसी भी चीज़ के, कोई भी प्रोसेस है किसी भी काम के स्टेप्स को डिक्लेयर करना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके इसको स्टेप्स को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं ओके, और यहाँ पे क्लिक करके ये स्टेप्स आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रोसेस के स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये लें कि भाई एक इदारे में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले एडमिशन के लिए हम लिख देंगे सपोज टू बी, क्या करना पड़ेगा, सबमिट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा एक टेस्ट, इसको एंट्री टेस्ट कह सकते हैं, एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑन कन्फर्म सबमिट फीस, फी सबमिट करनी पड़ेगी, एंड स्टार्ट एजुकेशन, स्टार्ट क्लासेस। तो ये एक प्रोसेस हमने लिख दिया इस तरह से कि भाई आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी एक प्रोसेस हो सकता है, ये हमने एक एडमिशन लेने का प्रोसेस बताया है। ऐसे आपको कराची मुल्क से बाहर जाना है उसका क्या प्रोसेस है, खाना पकाना है उसका क्या प्रोसेस है, चिकन कढ़ाई वगैरह बनानी उसका क्या प्रोसेस है, और दीगर जैसे कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से कहीं और स्विच करना है तो उस काम के कितने स्टेप्स हो सकते हैं, वो सब इस तरह से डिक्लेयर किया जा सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग वर्क फ्लो टेम्पलेट है, सप्लायर्स, रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरर, क्वालिटी एश्योरेंस, पैकेजिंग, स्टोरेज, शिपिंग, ये सारी चीज़ें इसके कंपोनेंट हैं। तो यहाँ से आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, ये मेन कंपोनेंट्स और उन कंपोनेंट्स के सब कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं हायरार्की के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे रख के हमने यहाँ से क्लिक किया, ओके कर दिया, देन क्लिक करके ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारे पास करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एक एक चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा CPU और यहाँ पे लिखा आपने LCD, यहाँ पे लिखा आपने प्रिंटर और यहाँ पे आपने लिखा सपोज टू बी स्कैनर। ठीक है, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आप CPU के बारे में बता दें कि ये इसकी जो भी डिस्क्रिप्शन है कि ये किस तरह से मज़ीद इसके जो फीचर हैं या जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रिंटर के लिए आप बता सकते हैं कि ये किस काम में आता है, ठीक है, इस तरह से इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, और लाइक स्कैनर और LCD की डिटेल्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट को यहाँ लेंगे और उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस इन बॉक्सेस में हम ऐड करा सकते हैं। तो ये वाला जो स्मार्ट आर्ट है इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, हाउ टू मेक कॉफ़ी, ये कॉफ़ी का प्रोसेस है, तो प्रोसेस भी इसी तरह से बनाया जा सकता है। ये वाला प्रोसेस बनाने के लिए कॉफ़ी मेकिंग प्रोसेस, जैसे इंसर्ट में गए, यहाँ ब्लैंक पेज ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे चले गए स्मार्ट आर्ट के ऊपर, और यहाँ से जाने के बाद हमने क्लिक कर दिया किसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस आप इसमें से फॉलो कराना चाह रहे हैं, जैसे ये वाला प्रोसेस लेना चाह रहे हैं या आप कोई और प्रोसेस लेना चाह रहे हैं ये वाला, तो इनमें से ये वाला प्रोसेस भी चल सकता है, लेकिन अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो अब आप प्रोसेस लिखते जाएं और वो इसमें ऐड होते जाएंगे और बस आगे चलता जाएगा सिलसिला, एक के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा पाँचवा छठा, पूरा प्रोसेस इस तरह कम्प्लीट हो जाएगा, ये एक प्रोसेस बन जाएगा और इनके बॉक्सेस में ये वाला डेटा आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, तो ये तकरीबन सारे स्मार्ट आर्ट हो गए जो मैंने इसमें कर रखे हैं, तो उसमें अब ये आपने करके देख लेना है, इसमें से एक दो यहाँ कर लें, बाकी कुछ घर से होमवर्क करके आप सबमिट कर दीजिएगा ताकि ये आपका कंप्लीट हो जाए।